हेलो फ्रेंड्स, शिवांगी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े, और जिसे हम सर्व करेंगे चिली सॉस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप मैदा और 1/3 चम्मच मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे हमने आलू 3 शेप में काट के रखे हैं, ये मून शेप में, असर का शेप में और फ्रेंच फ्राई शेप में। अब हम यहाँ पे 1 टुकड़ा गोभी का लिया है, इसको अच्छे से धो के हमने काट कर रखा है। और यहाँ पे हमने 2 प्याज लिए हैं छोटे छोटे। अब हम यहाँ पे ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो ये यहाँ पे जो मैंने मसाले रखे हैं इनको मैं इसमें मिक्सअप कर लेती हूँ। और ये स्वाद के अनुसार आप नमक लीजिए, फिर इसको अच्छे से मिलाना है। और इसमें धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक ही साथ बहुत सारा पानी नहीं डाल देंगे। हमें ये अच्छे से ये घोल बनाना है और इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ स्पून की मदद से। आप चाहे तो साफ हाथों से भी इसे मिक्सअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें, यहाँ पे हमने कढ़ाई रख लिया चूल्हे पे, गैस पे हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया तेल। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम गोभी को, ये जो बैटर बनाया हमने, इसमें डाल देंगे और गोभी को पहले अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गोभी को अच्छे से मिला के पकौड़े एक एक करके तेल में डाल देंगे। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, एकदम से हाई पे नहीं रखेंगे क्योंकि जल जाएंगे पकौड़े। सो हमने गैस की आंच थोड़ी धीमी कर दी है और यहाँ पे एक एक करके जितना पॉसिबल है उतना पकौड़े डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट तक, 2-2.5 मिनट तक पकाने के बाद ये हमारे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी बन चुके हैं। अब इसको हम निकाल देंगे और फिर इसी प्रोसेस में हम आगे पकौड़े डाल देंगे। तो इसी प्रोसेस से हम बाकी के पकोड़े भी तल लेंगे। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और हम इसे मीडियम फ्लेम पे हल्के से पकोड़ों को अच्छे से क्रिस्पी बनाएंगे। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से पके हुए हैं। और इसी प्रोसेस में हम आलू और प्याज के पकोड़े भी बना लेंगे। Thank you.
यहाँ पे ही हमारे पकोड़े अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको प्लेट में लगाएंगे। जो दिखने में बड़ी टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी इतनी टेस्टी है, तो इन्हें हमने सर्व किया है चिली सॉस के साथ। आप चाहे तो आजकल सर्दियों के मौसम में इनको चाय के साथ ले सकते हैं या पुदीने की चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ ये बड़े ही टेस्टी लगते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए घर का खाइए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और उसे हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। जब तक हमारा तेल वहाँ पे गरम हो रहा है, हम जो हमारा बैटर है उसमें गोभी के पीसेस को डिप कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से डिप कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। यह हमारा अच्छे से बेसन के बैटर में हो गया है डिप। और अब हमारा यहाँ तेल भी गर्म हो गया, तो अब हम एक एक करके सारे जो हमारे पीसेस है गोभी के उन्हें डाल देंगे। हमारे यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमने इन्हें डीप फ्राई किया है। और यहाँ हमारे ये बढ़िया से बन के तैयार हैं गोभी के पकौड़े। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम बाकी जो हमने डिप करे थे उन्हें भी हम इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे सारे गोभी के पकौड़े बनके तैयार हैं। अब हमारे बचे हुए बैटर में हम जो सारे हमारे आलू के पीसेस थे उन्हें डालेंगे और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।